अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम रिबन कॉर्ड का पहला चैप्टर फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स कहते किसे हैं? ये एक्चुअली बॉडी जो करती है ड्रग को, जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है उसके सारे मतलब बॉडी का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स ड्रग उसको कहते हैं, उसके स्टडी को कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, वे एज फार्माकोडायनेमिक्स जो कि हमारा दूसरा चैप्टर है उसमें क्या होता है कि आपने याद रखना है, इसकी निशानी ये है कि फार्माकोडायनेमिक्स यानी डायनेमिक्स जो है वो डी से है, तो इसमें ड्रग जो कर रही है बॉडी के साथ वो, और जो फार्माकोकाइनेटिक्स है जिसमें डी नहीं आ रहा उसमें बॉडी जो है वो ड्रग के साथ कह रही है। ठीक है, तो मैंने इसको इस तरीके से याद किया हुआ था कि डायनेमिक्स जो है वो डी से है और डी से ही ड्रग है उस तरीके से। तो अब फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं इस चैप्टर में, तो इसमें अब तीन चार चीजें जो आ जाती हैं वो ये होता है कि एक तो ऑनसेट के कितनी जल्दी जो है ड्रग अपना रिस्पॉन्स शो करना शुरू करेगी। ठीक है, उसके बाद कितनी शिद्दत से होगा, और तीसरा कितनी देर तक होगा वो रिस्पॉन्स, जो भी उसका एक्शन है वो कितनी देर तक वो करेगा। ये सारी चीजें जो है ये बॉडी जो है वो ड्रग के लिए डिटरमिन कर रही होती है, ये सारे फैक्टर्स। तो ये हम इसको फार्माकोकाइनेटिक स्टडी कहते हैं। अब इसमें जो है आगे जो आ जाती हैं चीजें वो चार तरह की हैं जो प्रॉपर्टीज हैं। अब ये है कि पहले पहले जो चीज आती है वो आती है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर आपने किसी और रूट से लिए, आईवी के अलावा कोई रूट है, तो उसमें क्या होगा, पहले उसने ब्लड तक जाना है, यानी ब्लड सर्कुलेशन में जाने का जो प्रोसेस है उसको एब्जॉर्प्शन करेंगे। आया वो गट से हो रही है या किसी और रूट से हो रही है, मतलब कि किसी और रूट से ड्रग का ब्लड में जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, ये होगा पहला प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस क्या होगा कि अब वो ब्लड में चली गई है, दवाई जो है वो ब्लड में जा चुकी है, अब उसने मुख्तलिफ टिश्यूज में जाके इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो आ जाएगा दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा जो है मेटाबॉलिज्म, कि अब ड्रग ने ट्रांसफॉर्म होना है, बायो ट्रांसफॉर्म होना है मुख्तलिफ टिश्यूज में जाके, वो लिवर भी हो सकता है, वो कोई और टिश्यू भी हो सकता है। ठीक है, एंजाइम्स के थ्रू या खुद उसने किसी तरीके से एक्टिव होना है, जो जो भी उसका मेटाबॉलिज्म का है वो इस सब में आ जाएगा। उसके बाद आता है एलिमिनेशन का प्रोसेस। ठीक है, एलिमिनेशन का प्रोसेस ये है कि अब वो उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो कंप्लीट हो चुका है, वो ट्रांसफॉर्म हो गई है किसी और चीज में, या जो भी उसका होना था नहीं होना था वो हो गया। ठीक है, प्रोसेस अब जो है उसने बॉडी से एलिमिनेट आउट होना है। अब वो मुख्तलिफ तरीके से एलिमिनेट आउट हो सकती है, जो मेजर है वो ये है, एक यूरिन के थ्रू होता है, बाइल के थ्रू या फेसेस के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा स्वेट भी हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क भी हो सकता है, और भी छोटे मोटे जो है स्लाइवा जिस तरह होगी उसमें तो रिलीज हो सकती है, एलिमिनेशन का प्रोसेस इस तरह हो सकता है। उसके बाद अब ये सारी चीजें जब हमारे हमें पता होती हैं एक ड्रग के बारे में कि उसने एब्जॉर्प्शन कितनी देर में होनी है, उसने एलिमिनेट कितनी देर में होना है, ये सब पता होता है, तो हम उस ड्रग का फिर उस लिहाज से उसकी डोजिंग, उसका रूट कौन सा देना है, उसकी कितनी दफा उसको देना है, कितनी देर के लेना है, वो सारी चीजें इसी तरीके से पता लगती हैं। तो आगे हम रूट्स की बात करते हैं। पहले इस डायग्राम को हम जरा देख लेते हैं कि आपने ड्रग दी, ठीक है, जिस रूट से दी वो आगे जाके एब्जॉर्ब हुई। एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है, ब्लड में जाना, जो ड्रग का ब्लड में जाना जो है किसी भी और जगह से ब्लड में जाना जो है एब्जॉर्प्शन कहला रहा है। ठीक है, इनिशियल रूट से, फॉर एग्जाम्पल अगर मसल में आपने लगाई है, मसल से उसका वेन्स में, कैपिलरीज में, ये मतलब वेस्कुलर सिस्टम में जाना जो है वो एब्जॉर्प्शन कहला रहा है। उसके बाद आगे डिस्ट्रीब्यूट होना, उसने मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स में जाना है, फैलना है उसने, उसके बाद उसने मेटाबोलिज्म उसका होना है। ठीक है, और उसके बाद उसे एलिमिनेट आउट हो जाना है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली प्लाज्मा में इंजेक्ट कर रहे हो ड्रग, तो फिर उसमें एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना जो है वो निकल जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा,
आगे जो है रूट्स की बात करें तो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, फॉर एग्जांपल वाटर और लिपिड सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन. अब एक ड्रग ने जो है मतलब हम किस बुनियाद पे कहते हैं कि इस ड्रग को हमने ऑरली देना है, इसको आईवी नहीं देना, इसको इस तरह देना है, किस बुनियाद पे कहते हैं. उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज होती हैं ड्रग की. फॉर एग्जाम्पल वो वाटर में कितना सॉल्युबल है, अगर कोई वाटर में सॉल्युबल ज्यादा है तो उसका और रूट होगा, अगर वो लिपिड्स में ज्यादा सॉल्युबल है तो उसका और तरीकाकार होगा, ठीक है. और उसके थेरापिटिक ऑब्जेक्टिव्स में हो सकता है कि वो अगर आप गट से दे रहे हो वो एसिड से खराब हो जाती हो, अनस्टेबल हो जाती हो, हम उसको इसलिए आईवी देते हो, ठीक है. ये सारी चीजें फिर हम मतलब मद्देनजर रखते हुए उसका रूट जो है सिलेक्ट करते हैं. अच्छा, इसी तरीके से उसकी जो है मतलब कि हमें क्या चाहिए कि वो फॉरन हमें उसके एक्शन चाहिए. इमरजेंसी कंडीशन में हम आईवी क्यों लगा रहे होते हैं, हम एब्जॉर्प्शन का वेट नहीं कर सकते, हम इतनी देर रुक नहीं सकते कि वो अब्जॉर्ब हो और फिर हमें एक्शन दे, हमें फौरी एक्शन चाहिए होता है. तो हम एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को एलिमिनेट आउट करने के लिए हम उसको आईवी देते हैं ताकि डायरेक्ट जो है हमें मिल सके एक्शन. इसी तरीके से और बहुत सारी हो गई, ठीक है, कि अगर आपने एक ही जगह पे ही उसको रिस्ट्रिक्ट रखना है तो तब आप अगर आप चाहते हैं सिर्फ आई पे हो तो हम उसको सिस्टेमिकली क्यों दें, हम सिर्फ आई पे उसको दे देंगे, ठीक है, टॉपिकल उसको यूज कर लेंगे. तो मुख्तलिफ तरीकाकार है. तो अब हम आगे बात करते हैं एंडेरल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो बाय माउथ आप ले रहे हैं, ठीक है. इसमें जो है क्या सबसे मेजर बात यह है कि सबसे सेफेस्ट और सबसे कॉमन और कन्वीनियंट, इसके अलावा ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, मतलब इतना महंगा नहीं है. इसमें आपको कोई नर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर्सन जो है वो पेशेंट जो है वो खुद ले सकता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं. उसके बाद ये है कि इसमें मुख्तलिफ आगे चीजें आती हैं, जिस तरह एक ड्रग आप सिंपली निगल लेते हो, उसके अलावा ये आते कि आप जुबान के नीचे, आपने अक्सर देखा होगा लोग रखते हैं दवाई, खासतौर पे हार्ट पेशेंट वगैरह वाले रखते हैं. उसके अलावा गम और चीक के दरमियान बक्कल रूट है वो, ठीक है, उसमें रखते हैं. और फिर उधर जो है कैपिलरीज होती हैं बारीक बारीक जो अब्सॉर्प्शन करती हैं, और फिर जो है वो आगे प्रोसेस होता है, अब्जॉर्ब होता है, ब्लड में अब्जॉर्ब होती है ड्रग और आगे प्रोसेस होता है. अब ऑरल में जो है काफी एडवांटेजेस भी हैं, वो ये हैं कि एक तो पेशेंट खुद एडमिनिस्टर कर सकता है, और अगर पेशेंट खुदा ना खास्ता उसने ओवरडोज कर ली है या कोई ऐसा टॉक्सिक इफेक्ट आ रहा है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है फौरन, ठीक है. लेकिन अगर आईवी दे दी तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाता है उसको रिवर्स करना, क्योंकि वो आपके सर्कुलेशन में जा चुका होता है, तो ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं, ठीक है. तो उसके अलावा ये कि जो है ना, ये सब तो फायदे हैं लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है, क्योंकि मुख्तलिफ पीएच हैं. आपको पता है कि स्टमक में जो है वो एसिडिक पीएच है, इंटेस्टाइन में जो है वो कंपैरेटिवली बेसिक पीएच है. तो मतलब मुख्तलिफ पीएच के साथ ड्रग को इंटरेक्ट करना पड़ता है. तो कुछ ड्रग जो होंगी वो सेंसिटिव होंगी एसिडिक से, उनको उससे मसला होगा. कुछ बेसिक पीएच से जो है वो सेंसिटिव होंगी, उनको उससे मसला होगा. इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह फूड आ गई, फूड के साथ कोई इंटरेक्शन हो गई ड्रग की तब मसला हो जाएगा अब्सॉर्प्शन में. हो सकता है फूड्स जो है वो उसकी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व हो, तो अब्सॉर्प्शन का ना भी हो मसला तो हो सकता है उसने मेटाबलाइज कर दिया हो ड्रग को, ठीक है, उसको बायो ट्रांसफॉर्म कर दिया हो. तो इस तरीके से मुख्तलिफ इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आती है. अगर एक चीज के फायदे हैं तो उसके नुकसान भी आ जाते हैं फिर साथ साथ. तो अब इसमें ये है कि अब और प्रेपरेशन भी मुख्तलिफ तरह की आ गई है, जैसा एंटेरिक कोटिंग आ गई या एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन आ गई. एंटेरिक कोटेड हम उनको देते हैं जो ड्रग्स स्टमक से सेंसिटिव होती हैं, ठीक है, स्टमक एसिड से. तो उनको हम एक ऐसी कोटिंग कर देते हैं जो एसिड से फिर इफेक्ट नहीं होती, यानी हमारी ड्रग सेफली जो है इंटेस्टाइन में चली जाती है, जहाँ पे लेस एसिडिक इन्वायरमेंट होती है, और वहां जाके वो जो है अपना एक्शन शो कर देती है, और वहां जाके अपना आराम से जो है रिलीज होती है, और वहां जाके एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना होता है.
तो एग्जाम्पल में उसने बता दिया है ओमेप्राजोल जो है वो एक ऐसी ड्रग है जो एसिड अनस्टेबल है, तो हम उसको एंटेरिकोटेड में दे सकते हैं। उसके अलावा जो ड्रग जो है होती है स्टमक को इरिटेट करती है, जिस तरह आपको पता है एस्पिरिन जो है वो काफी ज्यादा इसके इन्वॉल्वमेंट है अल्सर्स वगैरह में, तो अब जो है एंटेरिकोटेड एस्पिरिन आ रही है, जिससे क्या होता है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होती है और स्टमक को वो डिस्टर्ब नहीं करती। तो इन प्रिपरेशन का हमें फायदा हो रहा है क्योंकि एक पेशेंट की जो है वो थेरापेटिक वैल्यू भी हमें मिल रही है और साथ साथ जो एडवर्स इफेक्ट प्रोफाइल है वो भी कम होती जाएगी। आगे है एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन, ये जो है ये हमें कब चाहिए होती है, जब हमें ज्यादा देर तक इफेक्ट चाहिए होता है ठीक है ड्रग का, बजाय कि हम एक पेशेंट को चार दफा दवाई दें, हम चाहते हैं कि वो दिन में सिर्फ एक दफा ले, तो हम उसको ऐसी प्रेपरेशन बना देते हैं जिसको एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन कहते हैं, जो बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक दफा ली है वो स्लोली रिलीज होती जाएगी, स्लोली बॉडी में अब्सॉर्ब होती जाएगी और स्लोली उसका एक्शन आता रहेगा देर तक ठीक है। इनमें स्पेशल कोटिंग होती है इनके ऊपर और वो ड्रग को जो है वो स्लोली रिलीज करवाती है। इसके अलावा ये कि अब डिपेंड करता है कि अगर एक दवाई जो है हमें उसका इमीडिएट चाहिए तो हम उसमें नहीं लेंगे, हमें ये उन केसेस में चाहिए जब ये फॉर एग्जांपल ओरल मॉर्फिन है वो उसकी हाफ लाइफ ही सिर्फ 2 से 4 घंटे है ठीक है, तो पेशेंट को वो तकरीबन 6 बार दिन में बार बार लेना पड़ रहा होता है पेन रिलीफ के लिए। ये ज्यादातर हम पेन रिलीफ जो मेडिसिन होती है उनमें ये चीज यूज कर रहे होते हैं ठीक है। तो फिर उससे क्या होगा, जब हम ये वाली प्रेपरेशन यूज करते हैं मॉर्फिन की, तो क्या होता है हमें सिर्फ 2 दफा दिन में देनी पड़ती है अगर हम एक्सटेंडेड रिलीज प्रेपरेशन यूज करते हैं। आगे बात करते हैं सबलिंगुअल की या बक्कल की। सबलिंगुअल जो जुबान के नीचे होता है, बक्कल जो चीक और टीथ के दरमियान आप रखते हैं मेडिसिन को उसको कहते हैं। तो इससे क्या होता है, वहां कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, वहां से वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली चली जाती है और फिर जाके उसके जो है आगे जो है वो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं। तो अब एक तो है कि ये इसके एडवांटेजेस में आता है कि ईज इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को, इतना मुश्किल काम नहीं इसको लेना। दूसरा ये कि इसकी एब्जॉर्प्शन रैपिड है क्योंकि कैपिलरीज में सरफेस एरिया हो जाएगा ठीक है, और एब्जॉर्प्शन जल्दी हो जाएगी। और हार्श जो एनवायरनमेंट है जीआई ट्रैक का, डिफरेंट पीएचएस का, वो जो है वो बाईपास कर देगी और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, जो लिवर के थ्रू हो रहा होता है, एंजाइम्स कर रहे होते हैं, वो भी स्केप कर देगा ठीक है। उसके अलावा जो दोनों रूट है वो सिमिलर ही इनका है, दोनों कैपिलरीज के नेटवर्क से जो है एब्जॉर्ब होते हैं। आगे है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट आपको पता है कि पेरेंट्रल मीन अवे फ्रॉम इंटेस्टाइन या अवे फ्रॉम गट ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप डायरेक्टली सर्कुलेशन में इसको दे रहे होते हो ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आप वो ड्रग देते हो जो जीआई ट्रैक में जो है या तो वो अनस्टेबल होती हैं या फिर जीआई ट्रैक में वो जो है उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छी होती ठीक है। हेपरिन हो गई, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं अच्छी जीआई ट्रैक में, अनस्टेबल इंसुलिन हो गई, इंसुलिन आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होती हैं या एंजाइम्स वगैरह होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं एसिडिक पीएच में, तो वो तो फॉरन जाके तबाह हो जाएंगे, उसका तो मेरे को फायदा ही नहीं होगा, तो हम इसको फिर पेरेंट्रल रूट से देते हैं। अच्छा, आगे जो है पेरेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन is also used if a patient is unable to oral to take oral medication. For example, unconscious patient है उसमें हम दे देते हैं, या अगर हम emergency condition में चाहिए, जैसा मैंने आपको start बताया था, तब हम bypass करवाना चाहते हैं absorption के step को, तो तब हम दे देंगे parenteral route ठीक है। अब जो है एक और चीज के parenteral route जो है उसकी highest bioavailability है होती है। क्यों होती है हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी ड्रग कितनी जो है आगे सर्कुलेशन में प्रेजेंट हुई है एब्जॉर्प्शन के बाद। अब आपको पता है कि
अगर आई भी दे रहे हो तो उसका हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होगी. क्यों? क्योंकि उसमें तो अब्सॉर्प्शन का स्टेप ही हमने माइनस कर दिया, उसमें तो हमने डायरेक्टली दी ही उसको ब्लड में है, तो अब्सॉर्प्शन वाला तो स्टेप ही निकल गया, तो 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है इन केस ऑफ आईवी इंट्रावेनस. ठीक है. अच्छा, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द मोस्ट कंट्रोल ओवर द एक्चुअल डोज ऑफ ड्रग डिलीवर्ड टू द बॉडी. अब ये बात जो है ना, ये काफी समझने वाली, क्यों उसने कहा है कि हमें इतना कंट्रोल मिल जाता है बॉडी के ऊपर कि हमने कितनी उसको देनी है. क्योंकि आपको पता है कि अब आपने अगर 5 mg दी है तो ब्लड के अंदर 5 mg ही गई है, क्योंकि 100% बायो अवेलेबिलिटी है आईवी रूट के थ्रू. अगर आप 5 mg देते हो, गट से देते हो या किसी और रूट से देते हो, आपको नहीं पता कि वो पीएच की वजह से या किसी मेटाबॉलिज्म की वजह से या कितनी जाया हुई है, कितनी वो एब्जॉर्ब नहीं हुई हो पाई. ये सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. आप 100% नहीं कह सकते कि उसकी कितनी होगी. ठीक है, वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली, पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स, हर चीज के अकॉर्डिंगली वो डिफरेंट होगी. तो क्या होगा कि 100% बायो अवेलेबिलिटी होगी ही नहीं किसी भी केस में, सिर्फ आईवी के केस में होगी. तो हम आईवी के केस में ही कह सकते हैं कि पेशेंट जो है हमें कंट्रोल है, कि इसको हमने 5 mg दी है तो 5 mg ही ब्लड में है. अगर आप दो पेशेंट लो और दोनों में आप 5 mg उनको ओरल रूट से दो, तब भी आप नहीं डिटरमिन कर सकते कि एक में वो 3 mg गई है, हो सकता है दूसरे में 2 mg गई हो ब्लड के अंदर. आप नहीं कर सकते क्योंकि एक पेशेंट की ईटिंग हैबिट्स और होंगी, दूसरे की और होंगी, एक ही फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशंस और होंगी उसकी, दूसरे की और होंगी. ठीक है. अच्छा, आगे बात करते हैं पेरेंटल रूट में हमारे पास कौन कौन से मेजर जो है, वो तो 3 है. इंट्रावेस्कुलर, जिसको इंट्रावेनस भी कहते हैं, इंट्रा आर्टिकुलर आर्टेरियल भी कहते हैं, और दूसरा इंट्रामस्कुलर, और तीसरा जो है सब कुटेनियस आ जाता है. सो इंट्रावेनस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड और सारी इन्फॉर्मेशन भी आगे डिस्कस करेंगे. तो इंशाल्लाह आपसे ऑनवर्ड लिपन कार्ड के हम हर चैप्टर को बारी बारी डिस्कस करेंगे. और दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब.